जिस प्रकार किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में श्री गणेश जी की पूजा होती है, वहीं पर आपका भी पूजन किया जाता है। हे माँ, आज मैंने आपकी स्तुति करके अपने आप को द्वारिकाधीश को समर्पित कर दिया है। मैंने मन ही मन श्री कृष्ण को वर लिया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मेरे पति परमेश्वर द्वारिकाधीश ही हो, उन्हीं से मेरा विवाह हो। मुझे आशीर्वाद मिल गया माँ, मुझे आशीर्वाद मिल गया। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। कल्याणमस्तु। आहा देवी, अपनी लीला से मुझे भ्रमित मत कीजिए। भ्रमित तो राजकुमारी हो ही गई है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के कारण। आई नारायण नारायण। देवर्षि, आप इनकी बातों का विश्वास मत कीजिए। ना ना देवी, ना ना, मैं इनकी बातों पर विश्वास क्यों करूं जब आप प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने हैं। केवल इतना बता दीजिए कि माँ दुर्गा से आपने जो मांगा वो मिल गया ना। बताइए ना देवी, ये ब्राह्मण आपके किसी भी काम आ सकता है? द्वारिकाधीश के पास जा सकता है, आपका संदेश पहुंचा सकता है और उनका संदेश आपके नाम भी ला सकता है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो विलंब कैसा राजकुमारी? हाँ राजकुमारी, द्वारिकाधीश को प्रेम संदेश भेजी दीजिए। हाँ राजकुमारी, यदि आप चाहे तो। देवर्षि, क्या आप मेरे पूज्य माता पिता श्री से इस विषय में बात करेंगे? नारायण नारायण, क्यों नहीं करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। उस लीलाधर की लीला का आनंद लेना हो तो वो जैसा नचाए वैसा नाचो और आनंद लो। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। क्षमा चाहता हूं भगवान, न जाने क्यों मन में ये भाव प्रकट हुआ है कि आपके इस नाटक में मैं भी एक छोटी सी भूमिका निभाकर आनंद बटोर लूं। मैं देवी रुक्मिणी के माता पिता के सामने आपके और देवी के विवाह का प्रस्ताव रखने जा रहा हूं, यदि आपकी स्वीकृति हो तो। देवर्षि, आपने हमारे घर आकर हम पर बड़ी कृपा की। आपके चरण स्पर्श पाकर आज ही नगरी पवित्र हो गई। आपकी नगरी तो उसी दिन पवित्र हो गई थी राजन, जिस दिन आपके यहां पुत्री ने जन्म लिया था। आपकी पुत्री तो
समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी का अवतार है और मैं समझता हूँ अब लक्ष्मी के लिए नारायण चुनने का समय आ गया है। मैंने अनुचित तो नहीं कहा? नहीं नहीं देवर्षि, हम भी रुक्मिणी के लिए योग्य वर देख रहे हैं। देवर्षि आप तो तीनों लोकों में घूमते हैं। समझ गया राजन, समझ गया। आप तो जानते ही हैं परोपकार में बहुत आनंद लेता हूं मैं, इसीलिए सबकी आवश्यकताओं पर ध्यान देता हूं। आपके कहने से पूर्व ही मेरा ध्यान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पर गया था। उनकी कीर्ति तो आपने सुनी होगी ना राजन? हाँ हाँ, बहुत कुछ सुनने को मिला है उनके बारे में। उनकी कीर्ति शिशुपन से लेकर आज तक की वीरता के बारे में क्या क्या नहीं सुना है। कुछ लोग तो उन्हें अवतार मानते हैं। हाँ, वही है नारायण, नारायण राजाओं के राजा वासुदेव, आपकी पुत्री लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी के नारायण। मैं तो इससे अधिक सुंदर जोड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकता। आहा, वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। यही विधि का विधान है राजन। आपने बड़ी कृपा की देवर्षि, हम द्वारिकाधीश के पास प्रस्ताव लेकर अवश्य जाएंगे। केवल युवराज रुक्मी को आने दीजिए, बस मगध देश से आता ही होगा। राजकुमारी, द्वारिकाधीश के साथ विवाह की बात चल निकली है तो पूरी भी हो जाएगी। आप ये कुंडितपुर छोड़कर द्वारिकाधीश चली जाएंगी तो हमें भूल तो नहीं जाएंगी? नहीं दामिनी, मैं तुम में से किसी को नहीं भूलूंगी। इस समय तो मुझे ये सब एक स्वप्न जैसा लग रहा है। स्वप्न तो पूरा होने जा रहा है राजकुमारी, क्योंकि देवर्षि नारद ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण का विवाह हो, ये तो विधि का विधान है। नहीं नहीं नहीं, ये विधि का विधान नहीं है। देवर्षि नारद आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। पिताश्री, रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। परंतु पुत्र, क्यों नहीं हो सकता ये विवाह? इसलिए कि देवर्षि नारद की दृष्टि में कृष्ण रुक्मिणी के योग्य हो सकता है, परंतु मेरी दृष्टि में वो रुक्मिणी के योग्य नहीं है। किंतु कृष्ण वासुदेव है पुत्र, राजाओं के राजा है, योद्धा है। वो भगौड़ा है, रणछोड़ दास है वो। आप उसे राजा कह रहे हैं, जो राजा नहीं ग्वाला है, ग्वाला। अरे जो हमारी बराबरी का ही नहीं, उससे रुक्मिणी का विवाह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मेरा विवाह द्वारिकाधीश से? क्यों नहीं हो सकता भ्राताश्री? क्योंकि कृष्ण हमारा शत्रु है। क्यों, क्या शत्रुता है हमारी उनसे? वो हमारे मित्र का शत्रु है, और राजनीति में शत्रु का शत्रु हमारा मित्र, और मित्र का शत्रु हमारा शत्रु होता है। पुत्र, तुम किस मित्र की बात कर रहे हो? सम्राट जरासंध की। कृष्ण हमारे सम्राट जरासंध का शत्रु है। अब आप ही बताइए पिताश्री, क्या ये संबंध बनाकर आप विदर्भ देश को नष्ट करना चाहते हैं, खून की नदियां बहाना चाहते हैं? नहीं, हम सम्राट जरासंध से शत्रुता नहीं ले सकते, क्योंकि सम्राट जरासंध अपने शत्रु को समूल नष्ट करना ही अपनी नीति समझते हैं। और एक बात आप नहीं जानते, सम्राट जरासंध स्वयं कुंडितपुर आ रहे हैं। किसी विशेष कारण से आ रहे हैं? हाँ, अपने मानस पुत्र
चेटी देश के युवराज शिशुपाल के लिए रुक्मणी का हाथ मांगने आ रहे हैं। सम्राट जरासंध के इस प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं आप? है इतनी सामर्थ्य आप में? पिताश्री, युवराज शिशुपाल मेरा मित्र है और सम्राट जरासंध हमारे हितैषी हैं, इसलिए रुक्मिणी का विवाह युवराज शिशुपाल के साथ ही होगा, कृष्ण के साथ नहीं, कदापि नहीं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। क्यों देवर्षि, नाटक का आनंद ले रहे हैं? प्रभु, जरासंध और देवी रुक्मिणी के विवश माता पिता के हृदय में अकस्मात रुक्मी के प्रवेश ने रुचि उत्पन्न कर दी है। रुचि तो उत्पन्न होगी ही देवर्षि, क्योंकि मगध नरेश सम्राट जरासंध इस नाटक में मुझसे भी अधिक रुचि ले रहे हैं। वो देखिए। महामंत्री, शिशुपाल रुक्मिणी के विवाह की नींव तो हमने डाल दी है, परंतु शिशुपाल का रुक्मिणी की ओर आकर्षित होना बहुत ही आवश्यक है। नारायण नारायण। प्रभु, आपसे बड़ा नाटककार तो मैंने इस पूरी सृष्टि में नहीं देखा। देवर्षि, मनुष्य जीवन नाटकीयता से भरा हुआ है, यदि नाटकीयता ही नहीं होगी तो मनुष्य जीवन शुष्क हो जाएगा। किंतु मनुष्य जीवन तो स्वयं ही एक नाटक है भगवान, तीन अंकों वाला नाटक, बाल, युवा और वृद्धावस्था, और आप जैसे रचनाकार के होते हुए ये नाटक शुष्क हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, देखिए, देवी रुक्मिणी आपसे विवाह करना चाहती हैं और देवी रुक्मिणी का भाई उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है, उस शिशुपाल से जिसका वध आप ही के हाथों होने वाला है। कैसे उलझी हुई नाटकीय परिस्थिति है। नारायण नारायण। शिशुपाल एक सुंदर युवक है महामंत्री, और रुक्मिणी सुंदर युवती, फिर युवकों को सुंदर युवतियां ही आकर्षित करती हैं। विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी तो सौंदर्य की देवी है महाराज। इसलिए कह रहा हूं महामंत्री, शिशुपाल और रुक्मिणी की भेंट होनी चाहिए, वो भी नाटकीय ढंग से, और इस बात का पता रुक्मी और रुक्मिणी तथा विदर्भ नरेश और शिशुपाल को भी नहीं होना चाहिए कि इसके पीछे हमारा हाथ है। महाराज, यदि शौर्य सौंदर्य पर मोहित हो सकता है तो सौंदर्य भी शौर्य पर मोहित हो सकता है। अर्थात? अर्थात विदर्भ पर आक्रमण। महामंत्री, महाराज, अमरावती के राजा वीरेंद्र विदर्भ नरेश भीष्मक को अपना शत्रु मानते हैं, केवल आपके भय से प्रकट नहीं कर रहे। आप क्या यह कहना चाह रहे हैं कि राजा वीरेंद्र विदर्भ पर आक्रमण करें? जी महाराज। महामंत्री, क्या आप जानते नहीं कि विदर्भ हमारा मित्र है? मैं विदर्भ पर आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता, इसलिए कि चेटी युवराज शिशुपाल जो अब चेटी राज बन जाएंगे विदर्भ की सहायता के लिए चले जाएंगे। महाराज, शिशुपाल महापराक्रमी है, वो राजा वीरेंद्र को अवश्य पराजित करेगा और संभव है कि वो राजा वीरेंद्र का वध भी कर दे। महाराज, राजा वीरेंद्र हमें त्रस्त भी कर रहे हैं, यदि इस रणनीति में उनकी बलि चढ़ा दी जाए तो आपके राजमंडल में कोई आपका विद्रोह करने का दुस्साहस ही नहीं करेगा। आप राजा वीरेंद्र के पुत्र युवराज राजेंद्र को अमरावती का राजा बना दीजिए, आपकी रणनीति सफल होगी, रुक्मी शिशुपाल से कृतज्ञ होगा और सौंदर्य शौर्य से प्रभावित होकर शौर्य पर मोहित हो जाएगा। महामंत्री, आपकी कुटिलता ने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। शीघ्र ही राजा वीरेंद्र को संकेत कीजिए और शिशुपाल को भी। जो आज्ञा महाराज। Ha 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 ha
क्यों रही है पगली? आप ही तो रुला रहे हैं मुझे। मैं रुला रहा हूं तुझे? अरे मैं तो तुझे हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। इसीलिए मेरा विवाह चेटी देश के युवराज शिशुपाल से कराना चाहते हैं। मैं तेरा बड़ा भाई हूं, कोई भाई अपनी बहन का अहित चाहेगा ना? मैं तेरा अहित चाहूंगा और न ही इस विदर्भ राज्य का अहित चाहूंगा। और फिर शिशुपाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक असाधारण व्यक्ति है, महाबलशाली महापराक्रमी है। वो चेटी देश का राजा बनने जा रहा है। वो सब प्रकार से तुम्हारे योग्य है रुक्मणी। भैया, स्वयंवर का अर्थ क्या है? भैया, स्वयंवर क्यों किया जाता है? स्वयंवर का अर्थ है अपना वर स्वयं चुनना, और ये नारी का अधिकार है। जब नारी का स्वयंवर रचाया जाता है तो अपने उस अधिकार का उपयोग करती है अपना जीवन साथी चुनने के लिए। भैया, क्या मुझे अपना वर अपना जीवन साथी चुनने का कोई अधिकार नहीं? रुक्मिणी, इस स्वयंवर में मैंने तुम्हारा वर चुन लिया है और उसे ही तुम अपना जीवन साथी बनाओगी। नहीं भैया, नहीं। भैया, और एक बात, जिस कृष्ण को तुमने आज तक देखा नहीं उसके लिए इतना पागल होना तुम्हें शोभा नहीं देता रुक्मणी। परंतु भैया, मैं उन्हें देखे बिना उनसे प्रेम करने लगी। रुक्मणी, जिस शिशुपाल को मैंने आज तक देखा नहीं उसका तिरस्कार करने लगी हूँ, ये सब अनजाने में हुआ है भैया। बस बस, बहुत हो गया रुक्मिणी। इस तिरस्कार को तुम्हें प्रेम में बदलना होगा और प्रेम को तिरस्कार में, क्योंकि विवाह तो तुम्हें शिशुपाल के साथ ही करना है। शिशुपाल के साथ ही। हाँ, चेटीराज शिशुपाल को करुषराज दंतवक्र का प्रणाम। करुषराज दंतवक्र की जय हो। काकाश्री सम्राट जरासंध ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद के साथ साथ आदेश भेजा है। आदेश हो क्या? अमरावती के राजा वीरेंद्र विदर्भ पर आक्रमण करने निकले हैं और उन्हें विदर्भ पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। काकाश्री की आज्ञा का पालन होगा दंतवक्र। हम राजा वीरेंद्र को विजय प्राप्त नहीं करने देंगे।